क्रिकेट टूर्नामेंट जो आप करा रहे हैं उसका फाइनल है, एक और विकेट इस तरह से गिरता हुआ, पांचवा विकेट मदन लाल क्रिकेट एकेडमी का आउट होने वाले बल्लेबाज। भावुक क्षण है हमारे लिए, हर साल हम पिता की याद में टूर्नामेंट कराते हैं और आज खुशी ये है कि मेरी बहन, बड़ी बहन मेरे साथ मौजूद है और साथ साथ मेरी पत्नी भी है, पूरा परिवार हमारा अभी अभी आउट होकर वापस पवेलियन याद करते हैं, उनको याद करते हुए इन बच्चों के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो काफी भावुक क्षण है। जब आप बल्लेबाज शुभम लांबा परिवार के सदस्य भी याद में, पांच विकेट सब गिर चुके हैं और कैसा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हाँ हम अपने पिता के आगे कुछ योगदान दे पा रहे हैं बच्चों को। निश्चित रूप से एक सबसे बड़ी चीज होती है कि इंसान चला जाता है लेकिन उसके बाद उसका नाम रह जाता है, तो एक पिता का नाम आकाश जिन्होंने बढ़िया कैच लिया के लिए हो रहा है, खुशी की बात है हम सब लोगों के लिए, तो यही इस अपॉर्चुनिटी को मैं इस तरह से देखता हूँ। अच्छा, टीम एविएशन आज यहाँ आई हुई है, साथ ही साथ काफ़ी दर्शक भी यहाँ जुटे हुए हैं देखने के लिए, बच्चों को काफ़ी उत्साह से देख रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीद थी कि इस तरीके से भी दर्शक आएंगे? और नहीं, हमें उम्मीद नहीं थी कि दर्शक इस तरह से आएंगे, बट ये अच्छी बात है कि दर्शक आए हैं, बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी खुश हैं और अच्छा एफर्ट कर रहे हैं बच्चे, तो अच्छा मैच होना चाहिए आज बच्चों के बीच में। धन्यवाद मैम, आज आप यहाँ आए हैं एज ए डायरेक्टर। मैं फिर से कहना चाहूँगी, मैंने जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तब भी बोला था और आज भी बता दें, इट्स वेरी आई एम फीलिंग वेरी मेस्मराइज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना अच्छे तरीके से हम लोग इसको कर पाए ऑर्गेनाइज। गर्व सांगवान नए बल्लेबाज, भी कमियां रह गई हैं डेफिनेटली, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक दबाव हालांकि जरूर बनाया है सॉनेट, कोशिश करेंगे कि लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल अच्छा प्लेटफॉर्म दे और उन्हें 20वां ओवर प्रगति पर और 90 रन कुलियो लेके जाएं, आगे बचे दिल्ली प्रीमियर लीग में सेलेक्ट हो, रणजी में सेलेक्ट हो, हम कोशिश करेंगे अगर इंडियन टीम में भी सेलेक्ट हो तो हमारा लक होगा, तो उसके लिए विल ट्राई लेवल बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा भाई इस काबिल है कि अपने पिता के नाम के लिए कुछ कर रहा है, देख रही है और मैं चाहती हूँ मदद से पढ़कर मतलब वो मिले कि आगे ये जब पिछले चार सालों से जो करा रहे थे उससे इस बार उन्होंने सीधा बहुत अच्छा बड़े स्तर पे कर दिया है, बहुत बड़े स्तर पे किया है और आगे दिन पर दिन मेरा आशीर्वाद है कि वो बढ़ता ही रहेगा और ये काम जो पिता बहुत ही बढ़िया कैच इस बार, जबरदस्त कॉट एंड बोल्ड छठा विकेट। मतलब मैसेज ये है कि मतलब बच्चे हमेशा आगे बढ़े और हम इस लायक रहे कि कर पाए, हमेशा हम लोग को अरेंज कराते हैं टूर्नामेंट का ठीक उसी टाइम बहुत ही बढ़िया कर पाए और इससे बेटर करें आउट होकर वापस पहुंचते हुए, जस्मीत नायक खुशी देख के मन बहुत खुश होता है कि वो बहुत ज्यादा। आपको कैसा लग रहा है आज आप यहाँ आए हैं? हम साल ना हम पांचों साल है हमारा कराते हैं, इसलिए कोशिश की और बेटर होता है, नेक्स्ट टाइम करेंगे और बेटर होता है। सामना बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आर्यन वशिष्ठ नए ओवर की शुरुआत, जब भी ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे और इसी तरीके से हम लोग हर साल आए इनको अच्छा इस बार आ रहे हैं स्टेडियम में कैसे बिटल और नेक्स्ट स्टॉप पर ये गेंद। आर्यन वशिष्ठ अपनी उंगली इंजर्ड होने के बावजूद बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए और उनके पिताश्री लगातार दिशा निर्देश जारी करते हुए दुबे जी उनको उनके लिए क्या कहेंगे, आर्मर इस बार तेज गति का गेंद लेकिन नेक्स्ट स्टंप की लाइन पर होने के फलस्वरूप बाहर होने के कारण खामियाजा भुगता। व्हाइट बॉल सर, ये जो करा रहे हैं एसएन दुबे टूर्नामेंट मतलब बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है उनके फ्यूचर के लिए। और राहुल बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हुए बढ़िया, हालांकि फिंगर इंजर्ड जरूर हुई थी उनकी लेकिन बुलंद हौसलों के साथ वापसी करी, आइस पैक लगाया और गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। पर फिर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने का यहाँ पे लोग देख रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द स्टिक्स इस बार दिशा भटके, अच्छा टैप वहां पर फाइनल दिशा में, लंबा चेस, कोई प्लेयर मौजूद नहीं फाइनल दिशा में और जब तक गेंद फील्ड हो जो मिस्टर राजेश तीन रन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट तीन रन पूरे किया, दूसरी बार इस पारी में अभी तक तीन रन लिए 90 रन कुलियो। मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत ही अच्छा। गर्व सांगवान 10 रनों के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए, बच्चे के जो 14 साल से हैं और उनको नए साल पे तोहफा मिल रहा है इंप्रेस होने के लिए, कैसा किस तरह से इतनी छोटी उम्र से ही इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो आगे जाके तो और अच्छा खेलेंगे ये बच्चे। क्या क्या किस चीज पे आप फोकस हो रहा है कि आर्यन वशिष्ठ बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं, शुरुआत अच्छी गेंदबाजी के द्वारा अभी से इनको अच्छी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, चोटिल होने के बावजूद गेंदबाजी करते हैं, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेफ्ट आर्म राउंड द स्टिक्स